हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है। हेरिडिटी और एवोल्यूशन में हमने मेंडल का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। मेंडल जिसको फादर ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। कल हमने एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट किया था मेंडल का, वो किसके ऊपर था? पी प्लांट के ऊपर। कल हमने जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था वो पी प्लांट के ऊपर था। मेंडल को हेरिडिटी का फादर कहते हैं। मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। मेंडल ने उसके ऊपर F1 और F2 जनरेशन को ऑब्जर्व किया। F1 का मतलब कि जब उसने प्लांट ग्रो करे तो फर्स्ट जनरेशन क्रॉस ब्रीड कराने के बाद, रिप्रोड्यूस करवाने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन है वो कैसी आई, फिर जो फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट था उसको फिर से ऑब्जर्व किया कि उसकी सेकेंड जनरेशन कैसी आई। इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? मेंडल का एक्सपेरिमेंट। मैंने तुम्हें बोला था कि हमें किसी भी प्लांट की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की जीनोटाइप दिखाई नहीं देती। जीनोटाइप का मतलब टाइप ऑफ जीन्स। हमें टाइप ऑफ जीन्स दिखाई नहीं देते, हमें क्या दिखाई देती है? सिर्फ फीनोटाइप। फीनोटाइप का मतलब फिजिकल अपेयरेंस। फिजिकल अपेयरेंस का मतलब है कि अगर पेयर, मैंने कल एग्जांपल दी थी, अगर जो पेयर है वो कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला होगा, यानी कि दोनों ही कौन से होंगे? डोमिनेंट। अगर पेयर कौन सा होगा? कैपिटल टी वाला और कैपिटल टी वाला, यानी कि दोनों ही डोमिनेंट होंगे। उस केस में जो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है वो हमें क्या दिखाई देगा? टॉल। लेकिन अगर उसकी जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली है, स्मॉल टी किसका सिंबल है? रिसेसिव का, और कैपिटल टी किसका सिंबल है? डोमिनेंट का। कैपिटल टी डोमिनेंट का सिंबल है और स्मॉल टी रिसेसिव का सिंबल है। तो जब जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली होगी, जब जीनोटाइप का पेयर कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला होगा, तब भी जो रिसेसिव है डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को प्रूव नेक्स्ट जनरेशन में नहीं कर सकता। वो साथ में होता जरूर है लेकिन वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनिज्म कैसा आएगा? लॉन्ग हाइटेड आएगा। ऑर्गेनिज्म कैसा आएगा? लॉन्ग हाइट वाला आएगा। तो उस केस में भी हमें जीन्स दिखाई नहीं देंगे। उस केस का रिजल्ट भी क्या आएगा? टॉल आएगा। इस केस का रिजल्ट भी टॉल आया और इस केस का रिजल्ट भी क्या आया? टॉल। ठीक है जी, ये बात हमें किसने बताई? मेंडल ने बताई। जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? पी प्लांट के। तो आज हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी उसको स्टडी करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि मेंडल ने कैसी क्रॉस की। अब जब हम करेक्टर्स को क्रॉस करवाते हैं उसे हम क्या वर्ड बोलते हैं? हाइब्रिड। क्या वर्ड बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड वर्ड बोलते हैं। जब हम एक करेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, करेक्टर तो बहुत सारे अगली जनरेशन में जाते हैं, लेकिन हम किसको स्टडी करते हैं? अगर हम सिर्फ एक करेक्टर को स्टडी करते हैं उस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड। माय पॉइंट इज क्लियर। जब हम एक करेक्टर को स्टडी करते हैं, जैसे एक करेक्टर हमने हाइट का ले लिया, या एक करेक्टर हमने कलर का ले लिया, या एक करेक्टर हमने साइज का ले लिया, अगर हम एक करेक्टर को स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड। और अगर हम दो करेक्टर को स्टडी करते हैं इकट्ठा, हाइट क्रॉस करवाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डाईहाइब्रिड। आपके सिलेबस में मोनोहाइब्रिड भी है और आपके सिलेबस में डाईहाइब्रिड। पॉइंट इज क्लियर। आपके सिलेबस में मोनोहाइब्रिड भी है और आपके सिलेबस में डाईहाइब्रिड भी है। तो सबसे पहले हम कौन सी क्रॉस करेंगे? मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, जीन्स का क्रॉस करने का
या जीन्स का अगली जनरेशन में जाने का क्या रूल होता है आज हम स्टडी करेंगे। तो मेंडल की सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फर्स्ट क्रॉस करेंगे, फर्स्ट F1 जनरेशन, फर्स्ट क्रॉस करेंगे F1 जनरेशन मेंडल का, कौन सा क्रॉस? मोनोहाइब्रिड। अभी अभी मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब बताया है कि हम कौन सा करेक्टर ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक सिंगल करेक्टर ऑब्जर्व कर। जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ऑब्जर्वेशन क्रॉस करवाया और उसकी ऑब्जर्वेशन स्टडी करी, उसने उसको नाम क्या दिया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसने उस मोनोहाइब्रिड को नाम क्या दिया? लॉ ऑफ, बोलो, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ आई? अब इस केस में उसने क्या किया, उसने सबसे पहले प्योर ब्रीड को क्रॉस कराया। अब मैं यहां पर तुम्हें प्योर ब्रीड का मतलब बताती हूं। देखो, मैंने तुम्हें कल बताया था कि जो जीन्स हैं वो हमेशा पेयर में काम करते हैं। जब जीन्स एक जैसे हो, एक जैसे का मतलब कैसे? कैपिटल डी और कैपिटल, ये एक जैसे हैं, या जीन्स एक जैसे हो कैसे? स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि ये पेयर कैसा है? एक जैसा। ये पेयर कैसा है? एक जैसा पेयर है। तो ऐसा पेयर जिसके अंदर दोनों ही जीन्स एक जैसे हो, ऐसे पेयर को क्या कहते हैं? प्योर पेयर। क्या कहते हैं इसको? प्योर पेयर। क्या कहते हैं? प्योर। समझ आ गई क्या वर्ड यूज किया है मैंने? प्योर। अब मेंडल ने क्या किया, क्रॉस कैसे कराया? मेंडल ने एक प्योर, मेंडल ने एक प्योर टॉल पी प्लांट किया, ध्यान से सुनना, उसको क्रॉस करवाया प्योर ड्वार्फ के साथ। मेंडल ने एक क्या लिया, बोलो, प्योर टॉल पेयर लिया और उसको क्रॉस किसके साथ करवाया? प्योर स्मॉल के साथ, प्योर ड्वार्फ के साथ, DWARF। प्लांट क्लियर हो गया कि मेंडल ने क्या किया, एक ऐसा पी प्लांट लिया जिसकी जीनोटाइप कैसी थी? प्योर वाली। प्योर कौन सा? टॉल। उसको क्रॉस किसके साथ कराया? प्योर ड्वार्फ के साथ। अब उसका रिजल्ट क्या है? जो उसका रिजल्ट आया उसको उसने नाम क्या दिया? फर्स्ट जनरेशन। जो उसका रिजल्ट आया बेटा, उसको उसने नाम क्या दिया? फर्स्ट जनरेशन नाम दिया। और फर्स्ट जनरेशन में उसका ऑब्जर्वेशन क्या थी और फर्स्ट जनरेशन का रूल क्या था? आप सभी भी रूल को अंडरस्टैंड करेंगे। ये इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया 3 और इसको नाम दिया 4। ये आपका कौन सा जीन है? 1। ये आपका कौन सा जीन है? 2। ये आपका कौन सा जीन है? 3। ये आपका कौन सा जीन है? 4। अब रूल समझ लीजिए पहले। फर्स्ट जो है, फर्स्ट पहले किसके साथ क्रॉस करेगा? थर्ड के साथ। फर्स्ट किसके साथ क्रॉस करेगा? फिर से बोल रही हूँ, फर्स्ट किसके साथ क्रॉस करेगा? थर्ड के साथ। फिर फर्स्ट किसके साथ करेगा? फोर्थ के साथ। फर्स्ट किसके साथ करेगा? फोर्थ के साथ। अब आ गई टर्न सेकंड की, अब आ गई टर्न सेकंड की, सेकंड किसके साथ करेगा? थर्ड के साथ। फिर सेकंड किसके साथ करेगा? फोर्थ के साथ। रूल समझ आ गया? फर्स्ट कंबाइन विद थर्ड, फर्स्ट कंबाइन विद फोर्थ, फर्स्ट कंबाइन विद थर्ड, फर्स्ट कंबाइन विद फोर्थ, सेकंड कंबाइन विद थर्ड, सेकंड कंबाइन विद फोर्थ। समझ आई क्या बोला मैंने, बताओ सर? फर्स्ट से बताओ ना, पहले सेकंड रूल बताओ, क्या रूल बताएंगे? फर्स्ट कंबाइन विद सेकंड मैंने कब बोला? ये कब मैंने बोला? तू बता। फर्स्ट कंबाइन विद थर्ड, सेकंड विद कंबाइन, नहीं, फर्स्ट कंबाइन विद थर्ड, सेकंड कंबाइन थर्ड, सेकंड कंबाइन। यस, आपको नहीं सुन रहा मैं क्या बोल रही हूँ? फर्स्ट कंबाइन विद थर्ड, फर्स्ट
यानी कि ध्यान से सुनो, पहले वाला पहले उधर वाले दोनों के साथ कॉमन, फिर दूसरे वाला उधर वाले दोनों के साथ कॉमन करेगा राइट साइड वाले। फिर से सुन लो रूल का, हर बार यही रूल चलेगा, फर्स्ट कंबाइन विद थर्ड, फर्स्ट कंबाइन विद फोर्थ, सेकंड कंबाइन विद थर्ड, सेकंड कंबाइन विद फोर्थ। अब किसी को कोई डाउट है क्या, बता दो करूं आकाश कमाल हो गया बस। अभी बोल रही हूँ मैं, चार बार बोली है ना, चार बार मैंने ये बात बोली है कि फर्स्ट कंबाइन विद थर्ड, फर्स्ट कंबाइन विद फोर्थ। दो बार फर्स्ट नहीं सुन रहा कि मैं दो बार फर्स्ट बोल रही हूँ, सेकंड कंबाइन विद थर्ड और सेकंड कंबाइन विद फोर्थ। क्लियर हो गया सबको? अब जब फर्स्ट कंबाइन विद थर्ड है तो क्या बना, फर्स्ट तुम्हारा क्या है कैपिटल डी और थर्ड तुम्हारा क्या है स्मॉल डी, तो आपका आंसर क्या आया कैपिटल डी स्मॉल डी। कंबाइन कैसे हुए, फर्स्ट विद थर्ड कंबाइन होगा, आप उधर क्या देख रहे हो, फर्स्ट कंबाइन विद थर्ड होगा तो फर्स्ट का आंसर क्या आया कैपिटल डी स्मॉल डी। अब फर्स्ट किसके साथ कंबाइन कर रहा है, फोर्थ के साथ, देन आल्सो वी गेट द कैपिटल टी स्मॉल टी, तब भी हमें आंसर क्या मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आ जाएगा रूल सेकंड विद द थर्ड, अब फिर हमें आंसर मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो सेकंड है वो कंबाइन करेगा फोर्थ के साथ, तब हमारा आंसर क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब रूल क्या बताया था, हमारे पास फोर प्लांट्स आ गए, फोर न्यू जनरेशन आ गई जिसके अंदर एक जैसा पेयर है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। अब कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, प्योर नहीं है, प्योर नहीं है, प्योर क्या थी कैपिटल टी और या कैपिटल टी स्मॉल टी, प्योर ये थी, ये हमारे पास इम्प्योर आ गई ब्रीड, हमारे पास इम्प्योर जीन आ गए। लेकिन रूल क्या है, डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव अपने आप को शो, डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, तो इसका आंसर क्या आया टॉल, इसका आंसर क्या आया टॉल, इसका आंसर क्या आया टॉल और इसका आंसर क्या आया टॉल। तो इसका मतलब टॉल और ड्वार्फ की रेशियो निकालेंगे हम, टॉल एक तरफ मैंने लिखा टॉल और दूसरी तरफ लिखा मैंने ड्वार्फ। अब इसकी रेशियो क्या है, इसकी रेशियो है कितने टॉल आए हमारे पास फोर, कितने टॉल आए हमारे पास फोर और कितने ड्वार्फ आए हमारे पास जीरो, कितने ड्वार्फ आए हमारे पास जीरो। क्यों, क्या रूल बताया था कल मैंने, मैंने कल ये रूल बताया था कि डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव अपने आप को नहीं कर पाता, रिसेसिव अपने आप को इंस्पेक्शन में शो नहीं कर सकता, तो हमें किसी की जीन दिखाई नहीं देते, हमें उसकी क्या दिखाई देती है फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस। आप फिजिकल अपीयरेंस में हमें जीन तो दिखाई नहीं दे रहे और हमें क्या लग रहा है कि चारों के चारों प्लांट्स क्या है टॉल है, चारों के चारों प्लांट्स क्या है टॉल है। आप जीन दिखाई नहीं दे रहे तो अब हमें नहीं पता कि उनकी जीनोटाइप कैसी। रूल बता रही हूँ, मेंडल ने तीन प्लांट्स को चूज किया, मेंडल ने उसकी मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस को F1 और F2 जनरेशन का ऑब्जर्व किया, F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, F2 जनरेशन, सेकंड जनरेशन। जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स की फर्स्ट जनरेशन क्या हुई, आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स की सेकंड जनरेशन क्या हुई आप, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की सेकंड जनरेशन क्या हुई आप हुए और आप अपने पेरेंट्स की फर्स्ट जनरेशन हो और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सेकंड जनरेशन आगे और आपकी नेक्स्ट जनरेशन वो आपके पेरेंट्स की सेकंड जनरेशन। ये बात क्लियर हो गई, तो मेंडल ने क्या किया F1 ऑब्जर्व करी और F2 ऑब्जर्व करी, एक बार ऑब्जर्व करी मोनोहाइब्रिड के साथ
और एक बार ऑब्जर्व करी डाइहाइड्रेट के साथ। डाइहाइड्रेट का मतलब होता है दो कैरेक्टर्स लेकर। डाइहाइड्रेट का क्या मतलब है? दो कैरेक्टर्स में कौन सा? आप रूल बताया था मैंने कि उसने सबसे पहले क्रॉस कराने के लिए कैसी जीनोटाइप ली? उसने जीनोटाइप ली प्योर 1। उसने जीनोटाइप कौन सी ली बेटा? प्योर 1 ली। उसने प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस ब्रीड कराया। मैं दे रहा हूं आपको आकाश, प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉस ब्रीड कराया। जब उसने क्रॉस ब्रीड कराया तो उसको रूल के अकॉर्डिंग जैसे जीन्स आप ले जाते, हमने बोला था ना कुछ करेक्टर मदर के और कुछ करेक्टर फादर के, कुछ करेक्टर एक प्लांट के और कुछ करेक्टर दूसरे प्लांट के आगे जाते हैं। लेकिन कैसे करेंगे तो मैंने आज बताया कैसे जाते हैं। फर्स्ट कंबाइन विद थर्ड, फर्स्ट कंबाइन विद फोर्थ, सेकंड कंबाइन विद थर्ड, सेकंड कंबाइन विद फोर्थ। ये रूल के अकॉर्डिंग जीन्स आगे गए। अगली जनरेशन में जो हमें पेयर मिला वो क्या मिला? सारे के सारे हमें टॉल प्लांट मिले और सारे टॉल मिले लेकिन उनकी जो जीनोटाइप थी वो प्योर नहीं थी। जो उनकी जीनोटाइप थी वो प्योर नहीं थी। अब F2 जनरेशन करेंगे। अब F2 जनरेशन के लिए क्या होगा? F2 जनरेशन के लिए जो F1 का रिजल्ट होगा, F1 का रिजल्ट क्या है? जो F1 का रिजल्ट होगा वो F2 के क्या हो जाएंगे? पेरेंट्स। ध्यान से सुनो मेरी बात, जो किसका रिजल्ट होगा? F1 का। F1 का रिजल्ट क्या है? तुम्हारे सामने F1 का रिजल्ट। जो F1 का रिजल्ट होगा वो अगली जनरेशन के लिए क्या बन रहा है? पेरेंट्स। वो अगली जनरेशन के लिए क्या बन रहा है? पेरेंट्स। तो क्रॉस करवाएं और देखिए क्या होता है। बोलो देखें। चलिए जी अब हम क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब ये जब ये चारों ही एक जैसे हैं तो हम इसमें से कोई भी दो ले सकते हैं। आई मेरी बात समझ? जब चारों के चारों एक जैसे हैं तो कैन वी चूज द एनी 2? तो एनी 2 एज ए पेरेंट, हमने पेरेंट्स का लिया, हमने एज ए पेरेंट लिया कैपिटल T small t क्रॉस विद कैपिटल T small t। आई मेरी बात समझ? हम क्रॉस कैसे करवा रहे हैं? F2 के लिए कैपिटल T small t। आगे बात समझ? रूल क्या है? रूल बताओ करुण। सेकेंड कंबाइन विद फोर्थ। रूल क्या है? फर्स्ट कंबाइन विद थर्ड, फर्स्ट कंबाइन विद फोर्थ, सेकेंड कंबाइन विद फोर्थ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो। अब जो हमारे पास फर्स्ट कंबाइन विद थर्ड, फर्स्ट कंबाइन विद थर्ड का आंसर क्या आएगा? कैपिटल T आएंगे दोनों कैपिटल T आएंगे, कैपिटल T और कैपिटल T। अब कैपिटल ध्यान से सुनना, जो रिजल्ट अब आया है F2 का कैपिटल T वो उनके लिए क्या है? ग्रैंडपेरेंट्स। तो क्या हो गया कि आप जो कैरेक्टर्स थे वो मदर और फादर के ना जाकर किसपे चले गए? ग्रैंडपेरेंट्स। किसपे चले गए? ग्रैंडपेरेंट्स। क्योंकि ग्रैंड पेरेंट के पास कौन सी जीनोटाइप थी? प्योर वाली। ग्रैंड पेरेंट के पास कौन सी जीनोटाइप थी? प्योर वाली। कैपिटल T को कहते नहीं है कि ये तो ये वाला जो जनरेशन है, ये वाला बच्चा है, ये अपने मदर और फादर जैसा नहीं है, ये किसके जैसा है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स जैसा। समझे कैसे कैसे करेक्टर वापस आ गए? कैसे करेक्टर क्या हो गए? वापिस आ गए। अब हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या आएगा? कैपिटल T
ये देखो ये वाला ये क्या है सेकेंडरी फ्रूट जब जाएगा तो कैपिटल दोनों क्या आ जाएंगे स्मॉल टी। और घर में क्या बात होती है, घर में बात किसी को जीनोटाइप का पता नहीं है, घर में किसी को जीनोटाइप का पता नहीं है क्योंकि जीनोटाइप दिखाई नहीं, क्या दिखाई देता है रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या था, दोनों पेरेंट्स स्ट्रांग थे, ऊपर देखो जिसको ब्रीड करवाया था दोनों पेरेंट्स स्ट्रांग थे और एक जनरेशन क्या आई ड्वार्फ की, दिखाई दे रहा है लास्ट वाली। और अगर दो दो बेबीज आए घर पे तो वो कहेंगे कि इसके मदर और फादर टॉल और ये भी टॉल तो इसका भाई या बहन कैसे ड्वार्फ रहेगा, छोटा कैसे रहेगा, लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब वो कहते हैं कि किस पे चला गया, किस पे चला गया जब मदर भी टॉल है और फादर भी टॉल है तो ये किस पे चला गया, ये बात कैसे होनी जाती है। अरे वो टॉल दिखाई दे रहे थे लेकिन जब उनकी जीनोटाइप प्योर वाली नहीं होती तो रिसेसिव अपने आप को कब शो करता है, जब डोमिनेंट नहीं होता। ये बात समझ आ रही है कि नहीं, रिसेसिव अपने आप को कब शो करता है। अब देखो दोनों स्मॉल टी है, दोनों क्या है बेटा स्मॉल टी, रिसेसिव अपने आप को तब शो करता है जब उसके पेयर में डोमिनेंट जीन नहीं होता। आप उसने अब अपने आप को प्रूफ किया तो आंसर क्या आएगा हुआ, आंसर क्या आएगा बेटा बोलो हुआ। इस तरीके से पिछली जनरेशन के कैरेक्टर क्या थे, पिछली जनरेशन कैरेक्टर क्या थे, एक एक प्योर टॉल था और एक प्योर ड्वार्फ था, एक प्योर टॉल था और एक प्योर ड्वार्फ था। और प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ एफ टू जनरेशन में फिर से वापस आ गए, बोलो फिर से वापस आए थे क्या। अब हम आंसर लिखे, चलो जी फर्स्ट का आंसर बोलो, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा टॉल और इसका आंसर क्या आएगा ड्वार्फ। अब आप रेशो निकालते हैं, हमारे पास टॉल और ड्वार्फ की रेशो कितनी आई, 3:1, हमारे पास रेशो क्या आई 3:1। हमें एफ टू जनरेशन में क्या मिले, अगर इसको भी हम और कैलिफाई करें तो हमारे पास रेशो आई 1:2:1 का क्या मतलब है, 1 हमें मिला प्योर टॉल, 2 हमें मिले टॉल लेकिन जीनोटाइप उनकी प्योर वाली नहीं, उनकी जीनोटाइप प्योर वाली नहीं। और एक हमें मिला प्योर हुआ, एक हमें क्या मिला प्योर हुआ। अब जब जीनोटाइप में जब कैपिटल यानी कि डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होता है, जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होता है तब तक रिसेसिव अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता। तो ये था आपका मेंडल का एक्सपेरिमेंट। आप बताओ मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आपको डाउट है, कोई डाउट है, रूल मैंने बताया चाहे वो दो कैरेक्टर स्टडी करे, चाहे वो एक कैरेक्टर स्टडी करे, चाहे वो थ्री कैरेक्टर्स को स्टडी करे, रूल क्या कहता है, पहले फर्स्ट वाला सबके साथ करे फिर सेकंड वाला सबके साथ, यानी कि फर्स्ट क्रॉस करेगा थर्ड के साथ, फर्स्ट क्रॉस करेगा फोर्थ के साथ, सेकंड क्रॉस करेगा फिफ्थ के सेकंड की टर्न आएगी। आवाज तुम्हें सुनना है या नहीं, फिर सेकंड की टर्न आएगी, सेकंड किसके साथ क्रॉस करेगा थर्ड के साथ और फिर सेकंड किसके साथ क्रॉस करेगा फोर्थ के साथ। आगे की बात समझ, और जो हमारे पास रिजल्ट आया F1 और F2 का, तो मेंडल ने F1 जनरेशन में जब हम लिखेंगे क्या, ये ड्रॉ तो कर लेंगे, अब ड्रॉ के साथ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया P प्लांट पे, उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 और F2 में, F1 में उसने हाइब्रिड का कैरेक्टर दिया और he observed all the plants were tall, उसने क्या ऑब्जर्वेशन की, सारे के सारे प्लांट्स क्या थे टॉल थे,
में फिर उसका जो रिजल्ट आया था, उसका जो क्या आया था बेटा, रिजल्ट आया था, उसके रिजल्ट को उसने क्या किया, एफ टू जनरेशन ऑब्जर्व। जब उसके रिजल्ट को उसने एफ टू जनरेशन के ऑब्जर्व किया, he got all the different blood, different मतलब one, he got one pure blood, he got one short red pure blood and two with the tall but not a pure gene, two with the tall but not a pure gene. हाँ जी, clear हो गया? Monohybrid cross या किसी को कोई doubt है? है किसी को कोई डाउट? बोलो। चलो जी, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तुम सभी भी प्रैक्टिस करोगे, हम यहाँ पर भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आज हम अगर डायहाइब्रिड क्रॉस कर लेंगे तो सारा टॉपिक आपको कंफ्यूज कर देगा। आज हम मोनोहाइब्रिड की ही प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी अपने रजिस्टर्स, रफ रजिस्टर्स और पेन निकाल लीजिए, और जो बच्चे ऑफलाइन है वो भी, तो अपने रफ रजिस्टर निकाल लो, हेडिंग डालो सबसे पहले मेटल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेटल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इसको लेबल करना है। लेबल के बिना आपको कोई मार्क्स बोर्ड्स में नहीं मिलेंगे। अब लेबल कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टॉल, यहाँ लिखेंगे ड्रॉ। अरे सभी ड्रॉ करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, सभी ड्रॉ करेंगे। क्रॉस करवाओ फर्स्ट विद थर्ड, इसका आंसर क्या लिखेंगे, टॉल। फर्स्ट विद फोर्थ, इसका आंसर क्या लिखेंगे, टॉल। करुण पार्टिसिपेंट चेक करिए जरूर कौन है, किसी बच्चे का नाम बोल। ये फिर हम क्रॉस कराएंगे सेकंड विद द, सेकंड विद द थर्ड। मुस्कान, मुस्कान आप हो ना ग्रुप में, फटाफट से ड्रॉ करो सभी। थर्ड, सेकंड विद द थर्ड वी गॉट कैपिटल टी स्मॉल टी। छवि, मुस्कान, हरिया, चिराग आपकी बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमने लेबल करना है, लेबल में यहां पर हमने लिखा टॉल, अब हमने यहां क्या लेबल करना है। सबसे बड़ी बात है इसका हेडिंग क्या देना है, इसका हेडिंग देना है पेरेंटल क्रॉस। अब आपको मेथड समझ आ गया, अब आप लेबलिंग करोगे, सबसे ऊपर हेडिंग दोगे पेरेंटल क्रॉस, और जहां पर हमने लिखा है टी ए डबल एल, इंग्लिश में लिखा है जहां पर हमने टॉल, ये जो टॉल रिजल्ट है इसे क्या हेडिंग दोगे, फिनोटाइप। इसे क्या हेडिंग दोगे, फिनोटाइप, और ये कौन सी फिनोटाइप है, पेरेंटल फिनोटाइप। क्या हेडिंग दोगे इसको, पेरेंटल फिनोटाइप, और ये जो तुम्हारे हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये तुम्हारे क्या है, गैमेट्स, गैमेट्स, ठीक है। इसे आप क्या लेबल करोगे, गैमेट्स करोगे, और जो जो ये लाइंस दिखाई गई हैं, इन लाइंस को क्या लेबल करोगे, क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स या गैमेट्स का क्रॉस हो रहा है, क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब जो ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये आपकी F1 जीनोटाइप है, विदाउट लेबलिंग आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे।
ये आपकी F1 जीनोटाइप है और जो आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है रिजल्ट TALL, ये आपकी F1 फीनोटाइप है। ये लेबलिंग नोट करो सभी है? जीनोटाइप एक जीनोटाइप और फीनोटाइप दोबारा मीनिंग बता दो। तो जीनोटाइप है टाइप ऑफ जीन्स कि हमारे अंदर जीन्स कैसे हैं। हम जीन्स हमेशा पेयर में काम करते हैं, ये बात पता है कि जीन्स हमेशा पेयर में आते हैं। अगर तो वो पेयर दोनों ही डोमिनेंट वाला है तो दूध हमारी प्योर जीनोटाइप है। वो हमारी क्या है बेटा? प्योर जीनोटाइप है। अब जीन्स तो हमें विजिबल नहीं है, हमें तो जो दिखाई देता है वो क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकली आप कैसे दिखते हो? मान लीजिए कि हमें टॉल पर्सन दिखाई देता है या प्लांट्स के केस में एक प्लांट हमें टॉल दिखाई देता है उसी वैरायटी का, ठीक है? तो हमें अंदर नहीं पता उसके अंदर कैसे जीन है। जब तक हम साइंटिफिक स्टडी नहीं करेंगे जीन्स की स्टडी, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? रिजल्ट। हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा? रिजल्ट दिखाई दे रहा है। जो हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला पेयर है वो भी टॉल दिखाई दे रहा है, और जिसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पेयर है वो भी हमें टॉल दिखाई दे रहा है। समझ आ रही है? लेकिन जब प्योर वाला करता है तो हमें सारे के सारे अगली जनरेशन में क्या मिलते हैं? टॉल। सारे के सारे हमें अगली जनरेशन में क्या मिलते हैं? टॉल। तभी तो कई बार बात होती है कि इनके मदर की टॉल है, इसकी फादर की टॉल है, ये इस पे शॉर्ट लेटेड चल रहा है। तो उसके जीन्स कैसे थे? वो मदर टॉल दिखाई दे रही थी, फादर टॉल दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी जीनोटाइप अगर कैपिटल टी वाली होती तो ऑल द नेक्स्ट जनरेशन विल बी टॉल, अगली जनरेशन सारी टॉल होती। अगर उनकी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी वाली है तो देयर विल बी अ चांस ऑफ वन फॉर, देयर विल बी अ चांस ऑफ वन ड्रॉप। तो इस बात से हमने क्या कंक्लूड निकाला कि जीनोटाइप क्या होती है? टाइप ऑफ जीन्स। टाइप ऑफ जीन्स कैसे प्योर है या इम्प्योर है, और फीनोटाइप क्या होती है? पी से शुरू होता है फीनो, और पी से शुरू होती है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकली हम कैसे दिख रहे हैं? फिजिकली का मतलब तो पता होगा कि फिजिकली हम कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो वो है हमारी फीनोटाइप। तो इस तरीके से हमने दोनों को लेबल करना है। मैंने एक का मतलब दिखाया है तो सभी स्टूडेंट्स दूसरे की भी लेबलिंग करेंगे। तो जो इसका आंसर है F1 की फीनोटाइप है, दिख रही है F1 की फीनोटाइप? जो F1 की फीनोटाइप है वो F2 की क्या बन जाएगी? पेरेंट। उसको क्या लेबल करोगे? F2 में पेरेंट। अब इसको क्या नाम दिया है? ध्यान से देखो, इसको नाम क्या दिया है? पेरेंटल क्रॉस दिया है। तो अगली वाली को क्या नाम दोगे बताना जरा? अगली वाली को क्या नाम दोगे? जल्दी से बोलो, कौन सी क्रॉस? F1। वेरी गुड, वेरी गुड। उसको क्या नाम दोगे? F1 क्रॉस। और उसके पेरेंट्स क्या हो जाएंगे? क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ गए? ये क्या बन गई उसकी? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जीनोटाइप। और यहां मैंने टॉल लिखा है तो ये F1 जनरेशन। बोलो, F1 जनरेशन फीनोटाइप बन जाए। ये F1 जनरेशन
पहले क्रॉस फटाफट मुस्कान चिल्ला सब बच्चे फटाफट क्रॉस करो। ये F1 जनरेशन की जीनोटाइप हो गई, जो मैंने इंग्लिश में लिखा है TALL, वो F1 जनरेशन की फीनोटाइप हो गई। अब जब हम क्रॉस करवाएंगे तो उसे हम क्या लेबल देंगे? जल्दी से बोलो, बोलो। पिछले में लेबल नहीं करा तो नाइन्स को क्या लेबल करेंगे? ये जो हम रूल बना रहे हैं फर्स्ट विद थर्ड, फर्स्ट विद फोर्थ, सेकंड विद थर्ड, सेकंड विद फोर्थ, इन लाइंस को हम क्या लेबल करेंगे? हाँ, क्रॉसिंग ऑफ गैमेट्स। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, समझ गए? अब आंसर बोलो, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इसको मैं लेबल क्या करूं? बोलो, इसको लेबल कर रही हूं F2, इसको क्या लेबल कर रही हूं? F2 जनरेशन जीनोटाइप। अगर आपने बोर्ड्स में लेबलिंग नहीं करी देन यू विल नॉट गेट मार्क्स। इसको मैं क्या लेबल करूं? F2 जनरेशन। अब मैं इसका नीचे आंसर लिखती हूं, टॉल मॉक। इसको मैं क्या लेबल करूं? F2 जनरेशन फीनोटाइप। इसको मैंने क्या लेबल किया? F2 जनरेशन फीनोटाइप। आई मेरी बात समझ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ विद लेबलिंग हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड F1 और F2 के लिए कंप्लीट आज कर लिया। आज हमने मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड था, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 क्रॉस और F2 क्रॉस विद लेबलिंग